आगर मालवा में NSUI प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़ा का पुतला जलाया गया, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता बहादुरी का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, पुतला कोर्ट के सामने जलाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि विपिन वानखेड़े का पुतला स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही जलाया है। आगर विधानसभा से कांग्रेस से उम्मीदवारी के लिए दावेदारी कर रहे वानखेड़ा को बाहरी बताया गया है। उम्मीदवार स्थानीय कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाने की मांग की गई है, नहीं तो पार्टी का हारना निश्चित रूप से है। राम जमुनिया से निवास कर रहा हूँ, एवं हमारे सभी साथी जो हैं, सभी गांव से आए हैं, सभी कार्यकर्ता स्थानीय कार्यकर्ता हैं यहाँ के, और कांग्रेस पार्टी के बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता हैं। हम सब चाहते हैं कि यहाँ से स्थानीय को टिकट मिले और स्थानीय यहाँ से विजय मिलेगी अगर स्थानीय चुनाव लड़ता है, और अगर बाहरी को टिकट मिलती है तो यहाँ से पार्टी को हार स्वीकार करना पड़ेगी। कहीं ना कहीं मतलब जो है कार्यकर्ता में भी एक आक्रोश है कि स्थानीय होना चाहिए। हम अगली बार भी हमने बाहरी को जला है और जलते आए हैं। इस बार जो है राहुल गांधी जी का भोपाल में भी उन्होंने बोला है कि इस बार 1300 को टिकट नहीं दिया जाएगा और ना दूंगा ना देने दूंगा। तो हम राहुल गांधी जी के विश्वास पे यहाँ पे अड़े हुए हैं कि बिल्कुल हम राहुल गांधी जी पे विश्वास भी हमें कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। और किसी कारणवश अगर कोई बाहरी आता है यहाँ से बाहरी विधानसभा जो अपने बाहरी उम्मीदवार जो है प्रदेश अध्यक्ष है विपिन वानखेड़े, वो अपने आप के टिकट यहाँ के भिक्ष मान रहा है और बोल रहा है टिकट फाइनल हो चुकी है, और प्रचार मतलब गांव-गांव में झंडे डंडे पहुंचा रहे हैं और कार्यक्रम के साथ वो प्रचार चालू कर रहा है। और हमें लगता है कि राहुल गांधी जी यहाँ स्थानीय को टिकट देंगे और हम स्थानीय अगर यहाँ से लड़ता है तो कहीं ना कहीं विजयश्री मिल जाएगी, हमारा ये विश्वास है। और अगर बाहरी लड़ता है तो चुनाव इस बार नहीं जीत पाएंगे।